विजयनगर थाना क्षेत्र में पकड़ाए गए लव जिहाद के मामले में आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह पीड़िता से सोने चांदी के जेवर ले चुका था, जिसे उसने हैदराबाद में छुपाए हैं। वहीं आरोपी द्वारा महिला के परिजनों को जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। विजयनगर पुलिस ने एजाज खान नाम एक युवा को गिरफ्तार किया था। एजाज अपना नाम अज्जू बताकर महिला से मिला था और काम दिलाने के नाम पर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में शादी करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। साथ ही उसने महिला के परिजनों को जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस की माने तो आरोपी ने महिला से सोने चांदी के जेवर भी ले लिए थे, जिसे उसने हैदराबाद में छुपाए हैं। ऐसे में अब पुलिस हैदराबाद जाकर जेवर बरामद करेगी। बाइट तहसीब काजी थाना प्रभारी। एक युवती ने रिपोर्ट की थी कि उसके काम के दौरान एक युवक उससे बिना मतलब नाम बदल कर मिला था और फिर उसने उससे संबंध बनाए, बाद में उसको ब्लैकमेल करके उससे उसने जेवरी और रुपये भी ले लिए थे और बाद में धर्म परिवर्तन करने के लिए और शादी करने के लिए दबाव बना रहा था। तो उस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर उसको अरेस्ट किया था। अरेस्ट करने के बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर पता चला कि उसने जो जेवर और जो नगद लिए थे, तो जेवर उसने रतलाम में कहीं रखे हैं, बेचे हैं। उसकी सूचना के आधार पर उसका पीआर लिया गया और बरामद करने के लिए पुलिस अब टीम गई हुई है। हाँ, लड़की को धमका कर ब्लैकमेल करके लिए थे उसने। ये लगभग 2 साल से लड़की को परेशान कर रहा है। नहीं, पहले जब उसने नाम बदल लिया था उसका, अज्जू नाम बन के मिला था, तिलक वलक लगा के मिला था उससे, तो जिससे उसको लगा था कि ये उसकी समाज का है। फिर बाद में उसको पता चला कि ये दूसरे धर्म से रिलेटेड है, तो उसने विरोध किया और नहीं किया, तो उसने उसको बताया कि फ़ोटो वगैरह तेरे वायरल कर दूंगा। इस बल पर धमका के उसने उससे जेवर वगैरह भी ले लिए थे, पैसे वगैरह भी। आरोपी थेरेपिस्ट है। पीड़िता क्या करती है? पीड़िता जहाँ पर वो काम करते थे क्लिनिक में, वहीं पे वो भी काम करती थी। कब तक के रिमांड पे आरोपी? अभी आरोपी 4 दिन के रिमांड पे। पीड़िता के परिजनों को मारने की धमकी दी थी आरोपी? हाँ, उसके दोस्तों के साथ वो जा रहा था वहाँ पर, बार बार उनको धमका रहा था, ये तथ्य आया है सर।